गुरबाणी दा फरमान है, मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मर है परवाणु। मानवता उत्ते जदों जुल्म वधदा है तां उसनू रोकण लई कुदरत आप अगमी शक्तियां नाल किते ना किते प्रगट जरूर हुंदी है। हकूमत दे जुल्म नू रोकण वाले नू योधा महाबली सूरबीर दे नावां नाल जाणिया जांदा है। इन्हां नावां चों ही एक नां है महान शहीद अनोखे अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी, जिन्होंने जुल्म दी इट नाल इट खड़का दिती। जंग दे मैदान च अपनी कला दे जौहर दिखाउण वाले इस महान शहीद दी कुरबानी दी मिसाल दुनिया च किसी भी इतिहास दे पन्नियां चों नहीं मिलदी। जालमां नूं दिने तारे दिखाउण वाले बाबा दीप सिंह जी दा जन्म 26 जनवरी 1682 नूं तरन तारण जिले दे सरहदी पिंड पहुविंड विखे माता ज्योणी जी ते पिता भगता जी दे घर होया। जदों 1699 च दसम पिता ने आनंदपुर साहिब विखे सारी सिख संगत नूं हुम हुमा के आउण लई आख्या सी तां उस समय बाबा दीप सिंह जी अपने माता पिता नाल श्री आनंदपुर साहिब विखे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे दर्शन करन आए सी। उदों ही बाबा दीप सिंह अमृत दी दात हासिल करके दीपे तों दीप सिंह बन गए। धीरमलिया ने जदों दशमेश पिता जी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी आद बीड देण तों मना कर दिता तां गुरु साहिब ने भाई मनी सिंह जी ते बाबा दीप सिंह जी नूं सेवा सौंप के बीड तैयार करवाई ते श्री गुरु तेग बहादुर जी दी बाणी शामिल कीती। बाबा दीप सिंह जी ने उस बीड दा पाठ सिख संगतां नूं अर्थां समेत पढ़ाया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जदों तलवंडी साबो तों दखण नूं जाण लगे तां गुरु जी ने बाबा दीप सिंह जी नूं तलवंडी साबो रह के गुरबाणी लिखवाउण ते पढ़ाउण दी सेवा करन लई कहा। 1756 ईस्वी च जदों अहमद शाह अबदाली ने भारत उत्ते चौथा हमला करके बहुत सारे शहरां नूं लुट्टिया अते भारतीय औरतां नूं दासी बना के काबल परत रहा सी, उदों बाबा दीप सिंह जी दी शहीद मिसल ने कुरुक्षेत्र दे कोल 300 औरतां दे नाल नाल अबदाली कोलों बहुत सारा कीमती समान वापस करन च सफलता हासिल कीती सी। इस दा बदला लैण लई अहमद शाह अबदाली ने अपने पुत्र तैमूर शाह नूं लाहौर दा गवर्नर नियुक्त करके सिखां नूं खत्म करन लई गुरुद्वारियां नूं ढाउण दा कम शुरू कर दिता। इस मौके ही अहमद शाह अबदाली वलों श्री दरबार साहिब ते हमला कीता गया तां इस बारे बाबा दीप सिंह जी ने तैमूर शाह नाल दो हथ करन दा फैसला कीता। बाबा दीप सिंह जी दमदमा साहिब तों 500 सिंघां दा जथा लै के अमृतसर वल तुरे। अमृतसर तक आउंदिआं इह जथा 5000 सिंघां दा हो गया। तरन तरन तो थोड़ी दूर अगे आ के अपनी तलवार नाल जमीन ते लकीर खिच के कहा, जेड़े सिंह कुरबानियां लई तैयार हन ओह इस लकीर नूं पार करके मेरे वल आ जाण ते जिन्हां ने घर जाना है ओह लकीर दे उस पार रहे। अज उत्थे गुरुद्वारा लकीर साहिब स्थापित है। लाहौर दरबार च जदों पता लगा तां जहान खां ने घबरा के इस लड़ाई नूं इस्लाम खतरे च है ये कह के 20,000 फौजियां नाल अमृतसर वल कूच कर लिया। सिंह इस समय श्री दरबार साहिब की बेअदबी का बदला लैण लई आर पार की लड़ाई लई तुले हुए सन। बाबा दीप सिंह समेत कई सिख अजिही बहादुरी नाल जंग दे मैदान च नितरे कि जहान खां की फौज विच भाजड़ां पै गईआं। दूजे पासे जहान खां दा नायब फौजी जमाल शाह अगे वध्या अते बाबा दीप सिंह जी नूं ललकारन लग्या। इस दौरान दोवां च घमासान लड़ाई हुई। उस समय बाबा दीप सिंह जी दी उम्र 75 साल दी सी, जदके जमाल शाह दी उम्र 40 साल दे करीब सी। बाबा जी ने पैंतड़ा बदल के एक खंडे दा वार जमाल शाह दी गर्दन उत्ते कीता, पर इस दौरान जमाल शाह ने बाबा जी उत्ते भी पूरे जोश नाल तलवार दा वार कर दिता, जिस नाल दोवें तिरह दे जरनैलां दीआं गर्दना इक्को ही समय कट के भूमि उत्ते डिग पईआं। उदों कोल खड़े बाबा दयाल सिंह जी ने बाबा दीप सिंह नूं उच्ची आवाज़ च कहा,
खालसा जी तुसी तां कहा सी कि मैं अपना सिर गुरु रामदास जी दे चरणा च भेट करांगा, तुसी तां इत्थे रस्ते च ही शरीर त्याग रहे हो। उस वेले बाबा जी उठ खड़े हुए ते उन्होंने अपना खंडा ते कटिया होया सिर चुक लिया। दुश्मन दियां फौजां ने बाबा जी नूं सिर हथेली उत्ते धर के रणभूमि च जूझदे हुए वेख्या तां उत्थों अली अली करदे रणभूमि छड ओह दौड़ गए। सैकड़े ही सिख धर्मी शहादत दा जाम पी गए, पर बाबा दीप सिंह जी ने अपना हौसला ना छड्डिया। अपने दो धारी 18 शेर दे खंडे नाल दुश्मन फौज नाल लड़दियां बाबा जी अंत दरबार साहिब पहुँच गए ते परिक्रमा च जा के गुरु घर नूं नमस्कार कीता ते 13 नवंबर 1757 नूं शहीदी प्राप्त कर गए। 75 साल की उम्र च जंगे मैदान च बिना सीस तो लड़न वाली बहादुरी का जौर दिखाउण वाले बाबा दीप सिंह जी की कहानी पंजाब के इतिहास चों सिख इतिहास चों ही मिलती है, दुनिया के किसी होर कोने चों नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल पंजाब टीवी।